हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं शाफ्ट कपलिंग के बारे में। शाफ्ट कपलिंग इंजीनियरिंग ग्राफिक्स का एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है और हमारे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से लेके ऑटोमोबाइल हो चाहे कोई भी फील्ड हो, उसमें शाफ्ट कपलिंग का बहुत ही ज़्यादा रोल है। कुछ मैं बेसिक्स के बारे में आपसे बात करूँ पहले कि व्हाट इज़ कपलिंग। हमने अप्लाइड मैकेनिक्स में, मैकेनिकल ऑटोमोबाइल में पढ़ा है कि कपल क्या होता है कि एक जगह से दूसरी जगह, एक शाफ्ट से दूसरी जगह अगर टॉर्क को ट्रांसफ़र करना है तो वो कपल है। कपल का मतलब एक पेयर। तो एक शाफ्ट कोई पावर जनरेट कर रही है तो वो दूसरी शाफ्ट में किस तरह से ट्रांसफ़र हो सकती है विद मिनिमम लॉसेज, उसको हम कहते हैं शाफ्ट कपलिंग। तो वो जो कंपोनेंट है उसका नाम है शाफ्ट कपलिंग। तो चलिए हम पहले इसके शाफ्ट कपलिंग के बारे में थोड़ा पढ़ते हैं और उसके फंक्शंस को जानते हैं, उनकी टाइप्स को जानते हैं। शाफ्ट कपलिंग, एक एक शाफ्ट है वो कितनी भी लंबाई की हो सकती है। शाफ्ट की लंबाई का पावर ट्रांसफर में तो अपना एक रोल है, लेकिन शाफ्ट की लंबाई को आप रोक नहीं सकते कि शाफ्ट की लंबाई 6 मीटर हो सकती है, 10 मीटर हो सकती है, 100 मीटर हो सकती है, 200 मीटर हो सकती है। लेकिन हम कुछ इसके नेगेटिव इफेक्ट्स जानते हैं कि शाफ्ट है वो बहुत लंबी क्यों नहीं हो सकती। आप मान लीजिए कि एक वायर को कंसिडर करिए कि एक वायर है, कोई भी वायर है, बिजली का वायर है या कोई लोहे का वायर है, आप उसको खींच के चाहे कितना भी आप उसको बांध दे, किसी भी पर्पज़ के लिए उसको आप यूज़ कर ले, लेकिन आप देखेंगे कि वो मिडिल में से, क्योंकि उसका वेट है, उसके वेट की वजह से वो झूला टाइप का बन जाएगा, जैसे कि वो कोई झूला हो। तो इस टाइप का जैसे झूला बन गया, ये इस ऐसे एक झूला झूला सा बन गया। आप तो सोच रहे थे कि वायर है वो ऐसा होना चाहिए सीधा, लेकिन वो एक झूले के जैसा बन गया। तो इसका मेन कारण क्या हो सकता है कि इसका वेट है वो हमेशा डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है। डब्ल्यू जो डब्ल्यू इज इक्वल टू हमने समझा है कि डब्ल्यू इज इक्वल टू एम इंटू जी, वो हमेशा क्या होगा कि वो नीचे की तरफ एक्ट करेगा। तो शाफ्ट की लंबाई आप बढ़ा नहीं सकते। तो हम बात कर रहे हैं शाफ्ट कपलिंग की, कि एक शाफ्ट से दूसरे शाफ्ट में अगर पावर ट्रांसफ़र हो रहा है तो हम अगर शाफ्ट को पीसीज में बनाएंगे और उन पीसीज को हम कपलिंग के थ्रू जोड़ेंगे, उनको ज्वाइन करेंगे, उनकी असेंबली करेंगे, तो वो जो कपलिंग आपको, वो जो असेंबली आपको नज़र आएगी वो बड़ी परफेक्ट होगी और उसमें मिनिमम लॉसेज से एक शाफ्ट से दूसरे शाफ्ट में पावर ट्रांसफ़र है वो ईजिली हो जाएगी। तो ये एक बड़ा इम्पोर्टेंट रोल है जिसकी वजह से हम समझते हैं कि शाफ्ट कपलिंग का एक अपना बहुत अच्छा रोल है। हम जनरली पावर ट्रांसफ़र की बात करते हैं कि एक शाफ्ट से दूसरी शाफ्ट में अगर पावर जा रही है तो हम मानते हैं कि 6 से 10 मीटर से बड़ी उसकी शाफ्ट की लेंथ नहीं होनी चाहिए। अगर फिर भी कोई कहता है कि इसकी लेंथ हम 6 से 10 मीटर, ये एक जनरल स्टैंडर्ड है कि जिसमें हम बात कह रहे हैं कि अगर फिर भी अगर इसकी लेंथ बढ़ाएंगे तो आपके लॉसेज भी बढ़ेंगे, क्योंकि वो शाफ्ट है वो झूले के जैसे बन जाएगी, शेगिंग होगी, उसको शेगिंग प्रोसेस बोलते हैं। शेगिंग एक फेनोमिना है जिसकी वजह से वो झूले के जैसे नज़र आ रही है। कपलिंग के अपने बहुत सारे फंक्शंस है, बहुत सारे रोल है जिसकी वजह से कपलिंग को आप यूज़ करें। मेनली कपलिंग को दो या दो से ज़्यादा शाफ्ट, एक बार में तो हालांकि दो ही शाफ्ट जुड़ेंगे, लेकिन हम लेटर ऑन देखेंगे कि मान लीजिए 10 शाफ्ट को जोड़ना है तो दो जो शाफ्टों के बीच का जो कनेक्शन है वो कपलिंग के थ्रू होगा। तो कपलिंग क्या करेगी, दो या दो से ज़्यादा शाफ्ट को, तो इसको थोड़ा जनरलाइज्ड वे में हमने बताया है। दूसरा इसका फंक्शन क्या होगा, टू कनेक्ट टू शाफ्ट ऑफ डिफरेंट मशीन्स, कि दो अलग अलग मशीन है। एक मशीन है मोटर, इलेक्ट्रिक मोटर, इलेक्ट्रिकल में हम पढ़ते हैं या देखते हैं घरों की कोई मोटर है, उस मोटर से मान लीजिए वो कोई इंजन है, कि जैसे हमारा कोई इंजन है, डीजी सेट का कोई इंजन है, उस इंजन से एक शाफ्ट है वो दूसरी तरफ कोई पर्पज़ है, कोई वर्क है उसकी तरफ जा रही है, और वो कोई रोल उसका अपना है कि वो एक शाफ्ट से दूसरे शाफ्ट में पावर ट्रांसफ़र कर रहा है। यहाँ भी हम एक केस की हम बात कर रहे हैं कि ये वो है, ये मोटर है, ये पंप है, मोटर इलेक्ट्रिक मोटर है, डीसी एसी कोई बात नहीं, इसके बारे में नहीं डिस्कस करेंगे।
तो इसकी अपनी एक शाफ्ट है, इसी तरह पंप की एक शाफ्ट है। तो मोटर का रोल क्या है कि मोटर जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस कर रही है उसको मैकेनिकल एनर्जी में ट्रांसफ़र कर दे पंप के थ्रू, तो पावर ट्रांसफ़र भी हो रही है विद मिनिमम लॉसेस। तो जो ये शाफ्ट रोटेट कर रही है, ये शाफ्ट रोटेट कर रही है, आप ये मान के चलिए कि दोनों शाफ्ट एक साथ रोटेट कर रही है, और उस रोटेशन का होने का कारण क्या है कि दोनों कपल्ड है। तो वो जो टॉर्क है फर्स्ट शाफ्ट से सेकंड शाफ्ट में वो कन्वर्ट हो रहा है। तो एक बार हम इसका एक ब्लॉक डायग्राम के जैसा एक कंसिडर कर लेते हैं कि एक मोटर या जनरेटर है जिसमें कहीं से पावर आ रही है। तो मोटर पावर ले रही है, इलेक्ट्रिकल मोटर है, और जनरेटर है, दोनों कपल्ड है शाफ्ट कपलिंग से। तो वो जो इनपुट है, पावर इनपुट है, वो कुछ पावर आउटपुट दे रहा है, वो किसके थ्रू दे रहा है कि आपको, आपने दोनों शाफ्टों को कपल किया हुआ है। तो ये मेन रोल है कि शाफ्ट कपलिंग का होगा। इसी तरह हम कुछ यूजेस की बात करते हैं कि जैसे हमने कहा कि शाफ्ट कपलिंग है वो शाफ्ट को कंबाइन करने के, ज्वाइन करने के काम आएगी। लेकिन शाफ्ट एक ऐसा कंपोनेंट है, ज़रूरी नहीं है कि जैसे उसमें दिखाया लास्ट में कि वो दोनों एक ही साथ जुड़ी हुई है, पैरेलल है। इसके बहुत सारे कम्बिनेशन हो सकते हैं। जो मैं सबसे बेसिक कम्बिनेशन की बात बताना चाहूँगा कि वो पहला कम्बिनेशन है जिसमें पैरेलल या अलाइंड शाफ्ट है, जिसमें शाफ्ट, पहली शाफ्ट, ये देखिए पहली शाफ्ट दूसरी शाफ्ट, पहली शाफ्ट और दूसरी शाफ्ट का चाहे डायमीटर इक्वल ना भी हो, लेकिन पहली शाफ्ट और दूसरी शाफ्ट की एक्सिस है वो दोनों अलाइंड है, एक ही लाइन में। आप देखिए ये यहाँ से यहाँ तक एक ही लाइन में। तो ऐसे केसेस में ये इंजीनियरिंग के हिसाब से काफ़ी डिफ़िकल्ट प्रोसेस है कि दोनों शाफ्टों को अलाइंड में, एक ही लाइन में हमने पावर ट्रांसफ़र कराना। बाद में हम टाइप भी पढ़ेंगे कि कौन सी वाली टाइप की कपलिंग से हम कराएंगे, लेकिन ये यहाँ पे सिंपल दिख रहा है लेकिन है डिफ़िकल्ट प्रोसेस। दूसरा कम्बिनेशन हम पढ़ते हैं कि पैरेलल नॉन अलाइंड शाफ्ट, इसमें कुछ भी नहीं करना, उससे थोड़ा सिंपल हो गया है कि पहली शाफ्ट और दूसरी शाफ्ट है वो आपस में, उनकी एक्सिस, ये पहली शाफ्ट है मान लीजिए और ये दूसरी शाफ्ट है, दोनों की एक्सिस पैरेलल जरूर लेकिन वाइड डिस्टेंस से ऑफसेट है। ऑफसेट का मतलब कि पहली शाफ्ट और दूसरी शाफ्ट है वो दोनों के अंदर वाई का डिफरेंस है, एक लाइन में नहीं है वो। थर्ड कम्बिनेशन की हम बात करते हैं कि सिमेट्रिकल एंगुलर नॉन अलाइंड शाफ्ट, कि पहली शाफ्ट और दूसरी शाफ्ट, ए शाफ्ट और बी शाफ्ट, ये जो दोनों शाफ्ट हैं इन दोनों का डायमीटर सेम है लेकिन दोनों के एक्सिस आपस में एक एंगल पे आके इंटरसेक्ट कर रहे हैं। आप पहले दो कम्बिनेशन में देखेंगे तो इसमें चाहे वो ये पैरेलल था इसलिए अलाइंड था, इसमें दोनों के एक्सिस है वो एक ही लाइन में थे, मतलब कोलिनियर हो गए, लेकिन इनमें तो इनके मिलने का कोई मतलब ही नहीं है कि ये पैरेलल है लेकिन ऑफसेट है, यहाँ पे क्या है इंटरसेक्ट हो रहे एक एंगल पे। अगला कम्बिनेशन की हम बात करते हैं कि नॉन सिमेट्रिकल एंगुलर नॉन अलाइंड शाफ्ट, कि ए शाफ्ट और बी शाफ्ट दोनों का डायमीटर सेम नहीं है और दोनों की एक्सिस है वो अपने आप में एक एंगल पे मीट कर रही है। एक और कम्बिनेशन की बात करते हैं हम एंगुलर नॉन अलाइंड शाफ्ट की, एंगुलर भी है और नॉन अलाइंड शाफ्ट भी है, कि वो मिल भी नहीं रही है, एंगल पे भी है और पैरेलल भी नहीं है। अगली हम पढ़ना चाह रहे हैं कि यूजेज ऑफ शाफ्ट कपलिंग, वो जो हमने लास्ट में टाइप्स तो पढ़ ली कि भी कहाँ कहाँ यूज हो सकता है, उसका हम थोड़ा प्रैक्टिकल वे में देखते हैं कि एक प्रैक्टिकल वे में क्या देख पा रहे हैं कि हम एक मोटर है जिससे कोई पंप है, किसी भी टाइप का पंप है वो कनेक्टेड है, परफेक्ट अलाइनमेंट होना चाहिए जिसमें पैरेलल अलाइंड शाफ्ट है, कि मोटर की शाफ्ट और पंप की शाफ्ट दोनों की दोनों एक ही लाइन में। एक दूसरा कम्बिनेशन हम देखते हैं इसी का ही मॉडिफिकेशन है कि पहली शाफ्ट से दूसरी शाफ्ट है वो पैरेलल जरूर है लेकिन नॉन अलाइंड है, कि ये मोटर है, ये कोई दूसरा पंप है, कनेक्टेड है, पावर ट्रांसफ़र हो रही है लेकिन नॉन अलाइंड वे में। ये एंगुलर की हम बात कह रहे हैं कि एंगुलर में एंगुलर नॉन अलाइंड शाफ्ट, कि ये पहली शाफ्ट है, इस शाफ्ट को सपोर्ट कर रहा है कोई बेयरिंग, बाद में हम मैकेनिकल और ऑटोमोबाइल में तो इसकी और डिटेल में पढ़ेंगे कि बेयरिंग का क्या रोल होता है,
बियरिंग अभी के लिए हम सिर्फ ये बता सकते हैं कि शाफ्ट को जो सपोर्ट करता है, कि शाफ्ट की बकलिंग ना होने दे, शाफ्ट को प्रॉपर एक स्ट्रेंथ दे कि भाई शाफ्ट है वो इधर उधर ना खिसके। जैसे हम देखते हैं साइकिल में बॉल बियरिंग्स होते हैं, या और भी हमने टाइप्स के बियरिंग्स पढ़े होंगे या देखे होंगे, अभी हम लेटर ऑन उसको हम पढ़ेंगे। तो ये दोनों ही एंगुलर के एग्जाम्पल है, लेकिन पहले वाले और दूसरे वाले में आप क्या अंतर देख पा रहे हैं कि पहले वाले कम्बिनेशन में दो शाफ्टों को कनेक्ट किया हुआ है, यहाँ पे अगर हम दूसरे वाले में देखें तो एक दो और तीन शाफ्ट है और टू स्टेज शाफ्ट कपलिंग है। ये फर्स्ट स्टेज है, ये सेकंड स्टेज है, तो ये उसका और इम्प्रोवाइज रूप है। टाइप्स ऑफ शाफ्ट कपलिंग वो हमने यूजेस के अकॉर्डिंग देखने की कोशिश की थी, अब हम टाइप्स ऑफ शाफ्ट कपलिंग की बात करते हैं। रिजिड कपलिंग, रिजिड का मतलब बिल्कुल रिजिड, रिजिड से मतलब यहाँ पे ये है कि पहली शाफ्ट दूसरी शाफ्ट से बिल्कुल रिजिड है। रिजिड का मतलब पहली शाफ्ट दूसरी शाफ्ट से परफेक्टली अलाइंड है कि उनकी एक्सिस में कहीं कोई मिसमैच नहीं हो रहा, कोई ऑफसेट नहीं क्रिएट हो रहा है। ये आप देख पाएं, ये पहली शाफ्ट है, ये दूसरी शाफ्ट है, ये इसका पिक्टोरियल व्यू ये बता रहा है कि ये परफेक्टली अलाइंड है। अगर हम इसकी बात करें, ये एक टाइप की कपलिंग है, हम लेटर ऑन इसमें पढ़ेंगे फ्लेंज कपलिंग, कि ये शाफ्ट थी, ये शाफ्ट थी, उनके बीच में फ्लेंज के थ्रू हमने उनको जोड़ा हुआ है, लेकिन वो परफेक्टली अलाइंड है। अलाइंड से मतलब फिर से हम बता देते हैं कि पहली शाफ्ट से दूसरी शाफ्ट की एक्सिस के बीच में कोई डिफरेंस नहीं है, कि पहली शाफ्ट की एक्सिस और दूसरी शाफ्ट की एक्सिस कोलिनियर है एक ही लाइन में। इसी में टाइप्स ऑफ शाफ्ट कपलिंग में सेकंड टाइप है फ्लेक्सिबल कपलिंग, थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी हो गई है पहले से ज़्यादा, कि भी फ्लेक्सिबल कपलिंग में एक शाफ्ट से दूसरी शाफ्ट में पावर ट्रांसफ़र भी हो जाएगी और पहली शाफ्ट से दूसरी शाफ्ट की एक्सिस है वो मिसमैच भी हो रही होगी, कि जैसे हमने पैरेलल ऑफसेट की बात की, या किसी एंगल पे भी होगी कि वो मिल भी रही है। पहले अगर लेटरल की बात करें तो दोनों के बीच में एक ऑफसेट है, लेकिन एंगुलर में तो वो आके मिल भी जा रही है। तो ये एक एग्जाम्पल है फ्लेक्सिबल कपलिंग का, तो इस चैप्टर में हम धीरे धीरे इनके बारे में पढ़ेंगे। अब हम रिजिड कपलिंग को ही थोड़ा और डिटेल में पढ़ते हैं, कि रिजिड कपलिंग का मतलब है कि जो रिलेटिव रोटेशन ऑफ टू शाफ्ट, बिटवीन टू शाफ्ट को रोकता। एक 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 एग्जाम्पल से हम समझने की कोशिश करें कि एक साइकिल का हमारा एक्सल है वो एक शाफ्ट के ऊपर अलाइंड है, एक शाफ्ट और साइकिल का एक्सिस, अगर उन दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन हो गया, हालांकि वो तो की से रोक रहे हैं हम उसको, लेकिन हम उसको ऐसे समझते हैं कि दोनों के बीच में अगर रिलेटिव मोशन हो, कि साइकिल के ब्रेक लगाए एक्सल तो रुक जाए लेकिन व्हील ना रुके, या व्हील रुक गया एक्सल नहीं रुके, तो वो इसको हम कहते हैं रिलेटिव रोटेशन, कि दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन है। अब उसका हम प्रैक्टिकल वे में ये बात समझते हैं कि उनके बीच में रिलेटिव मोशन नहीं है तो क्या होगा, उनके बीच में रिलेटिव रोटेशन नहीं है मतलब कि जैसे ही हमने एक्सल को रोका तो व्हील भी उसके साथ रुक गया। तो देर आर मैनी टाइप्स ऑफ कपलिंग दैट फॉल अंडर रिजिड कपलिंग कैटेगरी, बहुत सारी टाइप्स की रिजिड कपलिंग कैटेगरीज हो सकती है। एक मेन जो फर्स्ट है वो स्लीव और मफ कपलिंग, दूसरी है क्लैंप या स्प्लिट मफ और कंप्रेशन कपलिंग, तीसरी टाइप की कपलिंग है फ्लेंज कपलिंग। फ्लेंज कपलिंग मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ कपलिंग है रिजिड कपलिंग की। एक एक करके हम सबको थोड़ा थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं, कि फर्स्ट टाइप है स्लीव और मफ कपलिंग। मफ या स्लीव से मतलब, स्लीव का मतलब होता है जैसे एक, जैसे हमारे फुल स्लीव या हाफ स्लीव शर्ट्स है, कि जो हमारी स्किन है उसके ऊपर वो आके एक दूसरा कवर बन गया है, तो शाफ्ट्स के ऊपर भी आके एक दूसरा कवर बन गया। ये फर्स्ट शाफ्ट है, ये सेकंड शाफ्ट है। आप देख पा रहे हैं कि ये जो क्रीम कलर का या ये वाइट कलर का जो आपको पोर्शन दिखाई दे रहा है, ये पहली शाफ्ट और दूसरी शाफ्ट, ये पहली शाफ्ट ये दूसरी शाफ्ट है, इसको कम्प्लीटली कवर कर पाएगा। एक बार हम इसके कंपोनेंट्स को भी देख लेते हैं, कि ये फर्स्ट शाफ्ट है, ये सेकेंड शाफ्ट है। दोनों शाफ्टों को आप देख पाएंगे तो दोनों शाफ्टों के अंदर, ये फर्स्ट शाफ्ट ये सेकंड शाफ्ट, पिक्टोरियल व्यू में भी आप देखिए कि ये फर्स्ट शाफ्ट है, इसमें भी एक्सटर्नल ग्रूव्स कटे हुए, यहाँ भी एक्सटर्नल ग्रूव्स कटे हुए, जबकि आप देख पाएंगे कि जो स्लीव है उसमें इंटरनल ग्रूव होंगे। ये इसका साइड व्यू जो आपको दिखाई दे रहा है पिक्टोरियल व्यू,
इसमें आपको स्लीव के इंटरनल कट्स दिखाई देंगे, ग्रूव्स दिखाई देंगे। तो ये जो एक्सटर्नल ग्रूव्स है ये इंटरनल ग्रूव्स में फिट हो जाएंगे। तो ये जो स्लीव है ये फर्स्ट शाफ्ट और सेकंड शाफ्ट को इस तरह कवर कर लेगा कि अब आपको असेंबली, ये इसकी असेंबली है, इसमें ये तीन पोर्शन है, फर्स्ट शाफ्ट, सेकंड शाफ्ट और ये स्लीव। तो इसमें कहीं कोई अंतर नहीं दिखाई दे रहा है कि इसमें किस में इंटरनल ग्रूव्स थे या किस में एक्सटर्नल ग्रूव्स थे। किसी भी कपलिंग में, जैसे हमने यहाँ पे भी पढ़ा कि रिलेटिव रोटेशन को परमिट नहीं करता, तो रिलेटिव रोटेशन को रोकने के लिए हम हमेशा की का यूज़ करेंगे। तो उसके लिए हमें ये जो ये पोर्शन है ये, इसको हम बोलते हैं की वे। यहाँ भी देखिए की वे, की का रास्ता, की डालने का रास्ता। की हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था कि की क्या होती है, कि की वो मैकेनिकल कंपोनेंट है जो दो रोटेटिंग पार्ट्स के बीच का रिलेटिव मोशन रोकती है। जैसा अभी हमने एक एग्जांपल में बताया कि बाइसिकल है, बाइसिकल या साइकिल, उसके ऊपर रिम लगा हुआ है उसके शाफ्ट के ऊपर, तो दोनों के बीच का जो रिलेटिव मोशन है, रोटेशन है, उसको रोकने के लिए की लगाई हुई है। और अगली टाइप पे हम पहुंचते हैं, स्प्लिट मफ कपलिंग या क्लैंप कपलिंग या कंप्रेशन कपलिंग। पिछली जो टाइप थी मफ कपलिंग, उसका इम्प्रोवाइज मॉडर्न रूप है जिसमें स्लीव एक ही पीस में होता था, यहाँ पे स्लीव वो टू पीस है। आप ये देख पा रहे हैं कि ये ग्रे कलर का या ये ब्लू कलर का, नीचे ग्रे है ऊपर ब्लू है, ये उसी स्लीव के दो पार्ट, ये शाफ्ट है, ये जो ब्लैक शाफ्ट है, इधर से भी एक ये शाफ्ट है, इन दोनों शाफ्टों को कनेक्ट करने के लिए एक दो पीसीज में हमने अब की बार अपना मफ या स्लीव को बनाया हुआ है। एक बार इसकी असेंबली से आप देख पाएंगे कि ये शाफ्ट है, ये नीचे दूसरी शाफ्ट, इन दोनों को, ये इधर का पोर्शन, इधर का पोर्शन, इन दोनों को हमने लगा दिया और इन नट बोल्ट की हेल्प से इसको क्लैंप कर दिया है। तो इसलिए इसको क्लैंप कपलिंग भी कह रहे हैं। फ्लेंज कपलिंग बहुत कॉमन टाइप की कपलिंग है। पाइप जॉइंट्स में फ्लेंज कपलिंग का बहुत ज़्यादा रोल है। पाइप्स को हम कनेक्ट करते हैं, हम अगले किसी सिलेबस में हम पढ़ेंगे पाइप जॉइंट्स के बारे में भी, तब भी हम फ्लेंज की बात करेंगे। फ्लेंज का मतलब है कि यहाँ पे आप देखिए, ये जो मफ कपलिंग थी इसमें हमने क्या किया है कि पूरा इसमें स्लीव लगा दिया। पूरा स्लीव नहीं लगाएंगे हम क्या करेंगे, ये जो शाफ्ट है इसमें ग्रूव्स काटे और उसके जो बाहरी हिस्सा है, एक्सटर्नल पार्ट है, उसके ऊपर हम फ्लेंज लगा देंगे। ये जो बाहर की आपको डिस्क नज़र आ रही है ये फ्लेंज है। ये एक असेंबली की हम बात करते हैं, ये फर्स्ट शाफ्ट थी, ये सेकंड शाफ्ट थी, तो इसमें ये फ्लेंज लगाया, ये फ्लेंज लगाया, और फ्लेंज को कनेक्ट करने के लिए यहाँ हमने होल्स काटे हुए थे, होल्स में जिनमें नट बोल्ट की हेल्प से इसको हमने। अब हम एक सिंपल टाइप की कपलिंग, आज जो हमारा मकसद है फर्स्ट टाइप की कपलिंग पढ़ें, जिसमें हम पढ़ेंगे मफ कपलिंग। सबसे सिंपलेस्ट कपलिंग है, बहुत पुराने समय से चली आ रही है। इसमें जो स्लीव या मफ बने होंगे वो कास्ट आयरन के बने होंगे, कास्ट आयरन, और वो दोनों एंड से शाफ्ट के ऊपर से उसको लगा दिया जाएगा। शंख की से उस पे हम उसके रिलेटिव मोशन को रोकेंगे। ये भी कई बार पूछ लिया जाता है कि किस टाइप के की हम लगाएं, तो शंख की लगाएंगे। मिस अलाइनमेंट को रोकने के लिए हम की वे काटेंगे। बहुत सारी टाइप के हमारे पास मफ कपलिंग्स होते हैं, बट मफ कपलिंग, हाफ लैप मफ कपलिंग, स्प्लिट मफ कपलिंग। अब हम आज का जो हमारा टास्क है, हम करेंगे एक ड्राइंग ड्रॉ करेंगे, एक प्रोजेक्शन ड्रॉ करेंगे, जिसमें हम ड्रॉ करेंगे कि ड्रॉ द फ्रंट एलिवेशन एंड साइड एलिवेशन ऑफ मफ और स्लीव कपलिंग टू ज्वाइन टू शाफ्ट्स ऑफ डायमीटर 40 mm ईच। कि अब इस ड्राइंग में हमें ड्रॉ करने के लिए क्या दिया हुआ है कि हम 40 mm डायमीटर की शाफ्ट, दो शाफ्ट, जैसे हमने समझा कि दो शाफ्ट को हमेशा कपलिंग के थ्रू जोड़ा जाएगा, तो यहाँ स्लीव या मफ कपलिंग से जोड़ेंगे, डायमीटर जिनका 40 mm हो, और कहता है कि अज्यूम द रिमेनिंग डायमेंशंस एज पर्सनल। तो आपको वो डायमेंशंस, कुछ डायमेंशंस है वो अप्रोक्सीमेशन के हिसाब से याद करनी होंगी। तो ये हमने फ्रंट व्यू बनाया, आपको इसका साइड व्यू बना के देखना होगा। मैं इसके कुछ मेन पार्ट्स की बात बता देता हूँ आपको।
ये इसकी हम बात करें कि ये डायमीटर डी है जो 40 mm दिया है, तो नेचुरल सी बात है कि दूसरी शाफ्ट का भी 40 mm होगा क्योंकि रिजिड कपलिंग है। और रिजिड कपलिंग के होने की वजह से ये जो फर्स्ट शाफ्ट है और सेकंड शाफ्ट है उसकी एक्सिस है, उसमें कोई ऑफसेट नहीं होगा। तो आप देखेंगे ये लाइन जो है एक्सियल लाइन वो थ्रू जा रही है। तो ये अभी नहीं पता लग रहा है कि आपको ये दो शाफ्ट है या एक शाफ्ट है। आगे हम कोई दूसरी टाइप की कपलिंग पढ़ेंगे तो उसमें आपको बहुत इजीली पता लग जाएगा कि अरे ये तो फर्स्ट शाफ्ट की एक्सिस है, ये दूसरी शाफ्ट की एक्सिस है, यहाँ पे दोनों शाफ्ट की एक्सिस सेम है। और ये वो स्लीव है जिसकी हम बात कर रहे हैं, मफ है। स्लीव और जो शाफ्ट है उनको कनेक्ट करने के लिए हमने की वे काटा हुआ है। की वे काटने का जो जनरल प्रोसेस है वो ये है कि की वे हाफ है वो हब में कटनी चाहिए, हाफ उसके रिंग में। तो रिंग का मतलब है कि उसका बाहरी हिस्सा, ये शाफ्ट में हाफ कट गई और हाफ इसके हब में कट गई, तो ये की हमने लगा दी। लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ाया कि की बहुत सारी टाइप्स की हो सकती है। तो जो स्लीव या मफ कपलिंग है उसमें जो की यूज़ होती है, आप इसको अगर पहचाने, अगर पिछले चैप्टर को रिवाइज करें तो उसमें आपको समझ में आएगा कि ये जो की है वो की गिब हेड की है। तो ये गिब हेड की आपको यूज़ होती है। गिब हेड की को लगाना इंसर्ट करना काफ़ी आसान होता है। मैं कुछ नेचुरल सी और भी बातें इसमें और ऐड करना चाहूँगा कि जैसे हम लेंथ की बात करें कि भी कितनी लेंथ का हम मफ ले, तो लेंथ ऑफ मफ अप्रोक्सीमेशन के हिसाब से कुछ बुक्स में इसको 3D दिया होगा, किसी में 4D दिया होगा, तो हमने इसमें 3.5D लिया है। ये जो DO है, ये DO का मतलब आउटर डायामीटर, आउटर डायामीटर ऑफ मफ, कि मफ का आउटर डायामीटर कितना होगा। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से एक बार मैं सारे डायमेंशंस को एक बार बता देता हूँ कि डायामीटर डी, डी यहाँ पे 40 mm, लेंथ 3.5D, तो ये हो गया 120 140 mm, और डायामीटर ऑफ आउटर मतलब मफ का हो गया कितना, 80 + 13, 2D + 13 होता है, तो 2 + 40 80 + 13 93 mm, तो इसको आपने ड्रॉ करना है। अगले पोर्शन में हम बाकी की जो हमारी कपलिंग्स हैं उनकी टाइप्स पढ़ेंगे। तो आपको अभी के लिए ये जो ड्राइंग वन दिया हुआ है, ये ड्राइंग वन को अभी ड्रॉ करके प्रोजेक्शन करके देखना होगा, बहुत इजी है। इसमें सारे ही बिल्कुल इजी डायग्राम्स दिए हुए हैं। तो उम्मीद करते हैं कि अगली बार के पोर्शन के लिए हम रेडी रहेंगे। थैंक यू।